पड़ोसी गांव से 4 मुर्गियां 1 मुर्गा शुरुआत करी। आज हमारे 1000 प्लस हैं। एक देसी मुर्गी साल के 10,000 रुपये शुद्ध बचत देती है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पर हमें कराया है। आम आदमी कहते हैं भाई देसी मुर्गी कितने अंडे देती है, तो हम उसको जवाब देते हैं भाई देसी मुर्गी को हम हमारी मुर्गी तो कहती उतने दे देती है। वो मजाक करते हैं कैसे कि लगभग 20-25 अंडे कंटिन्यू देती है। होली दिवाली पर पटाखे लेते थे, उस पर लिखा जाता था प्योर देसी मुर्गा छा पटाखा। वो नस्ल है प्योर देसी टैणी। लगभग मैं तो ये मान रहा हूँ मेरे अनुभव के अनुसार तो ज्यादा है, 5 लाख रुपए साल के कमा सकता है 100 पक्षी से। नमस्कार भाइयों, मैं परेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज की जो विजिट है वो बहुत शानदार फार्म पे विजिट है। इस फार्म का पूरा टूर मैं आपको कराऊंगा, एक कोना दिखाऊंगा। यहाँ पर सर ने देसी मुर्गी पालन स्टार्ट किया हुआ है। कभी 2008 से इन्होंने स्टार्ट किया था मात्र 4 मुर्गियों से। आज इनके पास 1000 प्लस हैं और ये साल का 10 से 12 लाख रुपए से कमाते हैं, अच्छी इनकम कर रहे हैं। कैसे इन्होंने शुरुआत करी, क्या इनकी खास बात है इनके मुर्गों की, क्यों इनके जो मुर्गे हैं और अंडे हैं बहुत महंगे बिकते हैं मार्केट में, पूरी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। सबसे पहले एक परिचय दें अपना। वीरेंद्र गोपालवास जी, हल्का बालडा, जिला चरखी दादरी, हरियाणा से। तो वीरेंद्र जी, कैसे इसकी शुरुआत हुई मुर्गी की? भाई साहब, शुरुआत हमारे ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, गांव में अपने आधा एकड़ में प्लाट है, वहां पशुपालन, साथ में प्लस जैविक खाद के छोटे छोटे 5-4 बेड शुरुआत। उसमें चिचड़, सोरी, जइयां पशुओं की आम बात है, उनकी सुरक्षा के लिए पड़ोसी गांव से 4 मुर्गी से आपने शुरुआत करी और एक मुर्गे से। आज कितने मुर्गियाँ सर? आज हमारे पास जी फुल साइज के जो हम 4 प्लस 1 मुर्गा लिया उस साइज के 1000 प्लस हैं जी। मैं देख रहा हूँ सर, यहाँ पे आपने सब्जियाँ लगा रखी हैं, ऑर्गेनिक गेहूँ लगा रखा है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर ये? ये भाई साहब, जिस टाइम हम 2008 से 4 मुर्गे 1 मुर्गी शुरुआत करी, उसी टाइम हमारा टारगेट था हम प्योर ऑर्गेनिक खेती भी करें। 7 एकड़ के जमींदार हम, उस टाइम से ही हम खेती भी ऑर्गेनिक, यूरिया DAP कोई हम स्प्रे नहीं मारते। कितना क्षेत्रफल है आपका सर ये? 7 एकड़ है जी। 7 एकड़ में कर रहे हैं। मैं देखा हूँ सर, यहाँ पे बाउंड्री पर आपने नेट लगाया हुआ है, जाली आपने लगाई है चारों तरफ, पूरा आपने कवर किया हुआ है 7 एकड़ को, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये तो भाई साहब भगवान की देन है, इस धंधे की देन है। शुरुआत में धीरे धीरे इनकम करी, 1000 प्लस से शुरू करी, 10,000 किया, अगली साल 50,000 किया। अब हमारे 2-3 साल से, सन 2014 से शुरुआत बढ़िया मानता हूँ तो धंधे की, उस साल से 2-3 लाख रुपये ईयरली शुरुआत करी हमें। तो अगर बात करें प्रॉफिट की, तो कितना सर आपको इससे मुनाफा ले लेते हो आप? प्रॉफिट तो भाई साहब हर इंसान का अपना अपना तजुर्बा अनुभव होता है। हमारा टारगेट और हमारा अनुभव तो हम बताएं तो एक देसी मुर्गी साल के 10,000 रुपये शुद्ध बचत देती है। भाइयों, एक देसी मुर्गी सर कह रहे हैं 10,000 की बचत देती है, कैसे देती है सर बताएं जरा? ये तो प्रवेश जी प्रैक्टिकल ग्राउंड पर हमें कराया है। आम आदमी कहते हैं भाई देसी मुर्गी कितने अंडे देती है, तो हम उसको जवाब देते हैं भाई देसी मुर्गी को हम हमारी मुर्गी तो कहती उतने दे देती है। वो मजाक करते हैं कैसे भाई देसी मुर्गी को फ्री रेंज छोड़ते हैं, देसी खाना हमारा, ऑर्गेनिक खेती तैयार करते हैं, गेहूँ बाजरा वो हम इनको खिलाते हैं, उनको देसी चीज़ को खा के, देसी अनाज को खा कर ये लगभग 20-25 अंडे कंटिन्यू देती हैं। उसके बाद में अगर हम फार्म की बढ़ोतरी करनी है, चूजे तैयार करने हैं, तो उसको सेवन पर आ जाएगी, वो कुड़क हो जाएगी। अगर सेवन पर नहीं बैठाना है फार्म, बढ़ोतरी के हिसाब से जगह कम है उस हिसाब से हमें कम करना है, तो अपनी मुर्गी को 10 दिन का गैप देगी, फिर से अंडे देने शुरू कर देगी। सर, लोग कहते हैं कि हम अगर फीड नहीं खिलाएंगे तो जो मुर्गी है वो अंडे नहीं देगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ यहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट है। आप ना तो यहाँ पर फीड के कट्टे मेरे को मिले और ना कोई इंजेक्शन, ना कोई दवाई गोली, ये चमत्कार कैसे कर रहे हो सर आप ये? भाई साहब, मैं तो खेती संबंधित एक बात कहना चाहता हूँ, धरती माता, जननी माता और धरती माता, ये चीज़ें बार बार इंसान को नहीं मिल। लोग दे दबा दब स्प्रे 2,4-D की स्प्रे जमीन में मार रहे हैं, यूरिया DAP मार रहे हैं, भविष्य लोगों के सामने आ गया है। हम किसी भी मेडिकल पे डॉक्टर के पास जाते हैं खुशी नॉर्मल दवाई लेने के लिए, वो सबसे पहले जाते हैं कहने लगा भाई बगैर यूरिया DAP की सब्जी खा, बगैर यूरिया DAP का गेहूँ बाजरा खा। क्यों कहने लगे? लोगों के घर में 5 सदस्य हैं तो 4 सदस्य टेबलेट लेते हैं जी जी। सिर्फ ये ऑर्गेनिक खेती से इसका बचाव हो सकता है, कितना हम दवाई से ठीक रह सकते हैं जी। दूसरा सर, ये ब्रीड कौन सी है आपकी, इतनी स्पेशल ब्रीड है जिससे आप 1,00,000 रुपये कमा रहे हैं, ब्रीड कौन सी है सर आपकी? ये ना तो ये FFG है, ना ये RIR है। ये भाई साहब ब्रीड है जो 20-30 साल पहले बच्चे थे छोटी उम्र के, होली दिवाली पर पटाखे लेते थे, उस पर लिखा जाता था प्योर देसी मुर्गा छा पटाखा। वो नस्ल है प्योर देसी टैणी ग्रामीण क्षेत्र की,
न कोई असील है न कोई डबल एफ जी देखो 5-4 साल से 10 साल से हैचरी में चूचे लगाते हैं, उनको डबल एफ जी कुछ ये पेवर देसी ग्राउंड से पेवर देसी मुर्गे बोलते हैं। तो ये तो कितने अंडे दे देती हैं सर ये, और कब तक देती हैं ये? 4 महीने की होने के बाद में अंडे देना शुरू कर देती है, लगातार कंटिन्यू 20 से 25 अंडे देती है। जो सर हमारे युवा हैं बेरोजगार, वो कितनी मुर्गियों से या मुर्गों से स्टार्ट करके कितना मुनाफा ले सकते हैं, वो कैसे शुरुआत करें? सबसे पहले तो युवा साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देसी मुर्गी फार्म की शुरुआत करें तो कम से कम भी उसके पास 1-1.5-2 एकड़ खेती की काश्तकार ज़मीन हो जी। अगर हम थोड़ी फार्मिंग की डड़े भीड़ की जगह हम काम करेंगे तो देसी पोल्ट्री फार्म कामयाब नहीं होगा, फ्री रेंज छोड़ेंगे सभी देसी मुर्गी फार्म काम होगा। चलने फिरने एक्सरसाइज वगैरह की एक्सरसाइज होनी जरूरी है जी। इसमें लगभग हम शुरुआत करेंगे तो अनुभव धीरे धीरे होगा, 100 बर्ड से शुरुआत करें जी। दूसरा सर कितना मुनाफा ले लेंगे 100 बर्ड से स्टार्ट करते हैं तो? 100 बर्ड से शुरुआत उनकी जी ईयरली कम ज्ञान होने के नाते, शुरुआत नया चेहरा होने के नाते वो लगभग मैं तो ये मान रहा हूँ मेरे अनुभव के अनुसार तो ज़्यादा है 5 लाख रुपये साल के कमा सकता है 100 पक्षी से। अंडा कितने का सेल कर रहे हैं सर आप ये? हमारा तो जी 2 रेट हैं जी, लोकल यहाँ देती हैं 100 के 3 दे देते हैं, 100 के 2 भी दे देते हैं, बाहर मार्केट में जाते हैं तो के हिसाब से उनका 25 रुपये का एक अंडा देते हैं जी, 750 रुपये की कैरेट। लाइव मुर्गा क्या रेट सेल करते हैं? हमारे जी वैसे वजन में देते हैं उसका तो रेट 400, सीजन के हिसाब से 450 भी है जी, वैसे नग पर देते हैं 1000 रुपये का मुर्गा जी, लगभग वेट है उसमें 2-2.25 किलो। अच्छा वो आप देते हैं सर। आपने जो सेक्शन बनाए हुए हैं, इन सेक्शन के बारे में बताइए किस तरह से आपने ये इनको बांटा हुआ है अपने फार्म में? इसमें अलग अलग विभाग महकमे सेक्शन बटे हुए हैं जी, शुरुआत सेक्शन है उसमें अंडे देने वाली मुर्गी हैं जी। अच्छा यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ सर इसमें अंडे दे रही हैं मुर्गियाँ? हाँ अंडे दे रही हैं मुर्गियाँ जी। यहीं से दूसरा सेक्शन भी शुरुआत तकरीबन यही होता है, जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ वो कुड़क रहती हैं, कुड़क हो जाती हैं, वह यहीं पर सेवन बैठती हैं, लगभग 2 या 3 दिन वो अंडों पर यहीं बैठेंगी, उसके बाद में हम तीसरे सेक्शन में उनको यहाँ से उठाएंगे नाइट शटे में रात के समय, वहाँ ऑलरेडी पहले 13 अंडे रखने हैं सेवन पर या 15 रखने हैं, मुर्गी की साइज़ छोटी है तो 11 भी रखते हैं, वहाँ उस मुर्गी को अंधेरे में रात के समय उठा के वहाँ रखते थे तीसरे सेक्शन में जी। उसके बाद वहाँ सेवन प्रक्रिया शुरू होती है मुर्गी की, लगभग 19-20-21 दिन 3 दिन में चूजे निकलते हैं जी। चौथा सेक्शन हमारा है, वहाँ से चूजे निकलने शुरू हो जाते हैं तो नाइट में ही चूजों को उठाते हैं, एक मुर्गी के नीचे 11-12 बच्चे 10 बच्चे निकलते हैं, उनको रात को अलग उठाते हैं, चौथे 5वें सेक्शन में उनको छोड़ देते हैं 24 घंटे जी, वहाँ रहता है वह 24 घंटे 48 घंटे, दाना चुगना सिखाती है उसकी माँ और पानी पिलाना सिखाती है, उसके बाद में वहाँ उसे चौथे सेक्शन उठाते हैं फ्री रेंज खेत में छोड़ते हैं, वो हरे में चरता है, वो कहीं घूमता है, उसकी रक्षा उसकी मुर्गी करती है। दूसरा मैं देख रहा हूँ सर यहाँ पे जो आपने चूजे जो निकाल रहे हो, कोई मशीन नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है, नेचुरल तरीके से चूजे निकल रहे हैं सर, ये कमाल कैसे कर रहे हो सर आप? वो बात आप कह रहे थे भाई आपके में बीमारी कितनी आती है, सबसे पहले बीमारी तो मिटती ही मशीन से है जी जी। मशीन में अगर हमें हैच लगा के अंडा लगा के चूजा तैयार कराया है 50% बीमारी तो वहाँ से चलू हो गई, वहाँ से हम चूजा निकालेंगे मशीन से चूजा निकल गया वहाँ उस चूजे को छोड़ेंगे कहाँ ग्राउंड पर, समोसम होना चाहिए, समोसम हमारे मौसम के हिसाब से बनेगा, नहीं उसको ब्रूडर बनाना पड़ेगा, भट्ठी लगानी पड़ेगी, ज़्यादा गर्मी का टेम्परेचर है तो उसको कूलर पंखा लगाना पड़ेगा, वो फिर बाहर का वातावरण सहन नहीं करेगा। अगर मुर्गी से हम चूजे निकालते हैं तो मुर्गी ज़्यादा ठंड है तो अपनी पंखों में दबा लेगी उसको नाइट में हो चाहे दिन में, बारिश आ जाती है 5-10 आंगड़ बारिश भी होती है हमारे तो वहाँ अपने बच्चे को नहीं बिगने देती, वो उसको भी इसकी सेवा कर लेती है, सेवा कर लेती है जी जी जी। तो चूजा मुर्गी से निकलता है जी वो स्वस्थ वही रहता है, 50% बीमारियाँ तो हैचरी से शुरुआत होती हैं जी जी। दूसरा सर ये मॉर्टेलिटी कितनी है, मृत्यु दर कितनी है आपके इस फार्म में? मॉर्टेलिटी हमारे जी ना के बराबर है, छोटे चूजे हफ्ते 10 दिन के जो अंडरवेट का जो गलती अंडा लगता है छोटा अंडा उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है, कादा मॉर्टेलिटी वो जी मानो कि हजारों में कादा, ना कि मॉर्टेलिटी ना के बराबर, ना के बराबर है जी। फुल साइज का जो 2 महीने से 1 महीने का ऊपर का हो जाता है वो मुर्गा देसी मुर्गा होता है, मुर्गी मॉर्टेलिटी नहीं होती इसमें। अब आपका सर प्लान क्या आगे फ्यूचर में? हमारा तो भविष्य में प्लान ये है जी, 7 एकड़ के जमींदार हैं, फुल साइज के हमारे पास आने वाले 12 महीने 1.5 साल में हम 5000 बड़ी मुर्गियाँ करेंगे। बहुत बढ़िया, आप हमारे युवा बेरोजगार भाई को क्या आप संदेश देना चाहते हैं सर जो गांव जा छोड़ के शहर की तरफ जा रहे हैं? युवा बेरोजगार भाइयों को हम संदेश देना चाहते हैं कि खुद की काश्तकार किला 2 किला ज़मीन है
वो शहर की तरफ भाग रहे हैं, हम तो उनको पढ़े लिखे मूर्ख इंसान मानते हैं। भाई खुद का धंधा छोड़ के हम बाहर किसी की नौकरी करते हैं, हाजी की नौकरी को 10,000 देगा, कोई 15 देगा, कोई इनका काम कम किया ज़्यादा किया, खुद का बिजनेस इसके साथ पशुपालन का भी कर सकते हैं, खेती का व्यवसाय कर सकते हैं, अपने किले दो किले में 50-60-100 मुर्गियों से धंधा शुरू कर सकते हैं, घर बैठे वो 10-20 हज़ार की बजाय 30-40 हज़ार भी मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, धन्यवाद सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे फार्म पर आने का जी। धन्यवाद प्रवेश जी, धन्यवाद।